राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर की गई कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी से सियासी बवाल मच गया है, जिसको लेकर बीजेपी ने जगह जगह प्रदर्शन किया। वहीं डिंडौरी में भी बीजेपी नेता की ओर से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ अब 0 FIR दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि कई धाराओं के तहत मामला कायम कर दिल्ली भेजा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से दिए गए बयान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जिसको लेकर आदिवासी नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे के लिखित शिकायत पर डिंडौरी में कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उससे पूरा देश और महिला समाज, विशेष करके आदिवासी समाज आक्रोशित है। और इसी से क्षुब्ध होकर के हम डिंडौरी ज़िले के जनप्रतिनिधि और पूरे यहाँ के आदिवासी समाज के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, यहाँ के सिविल लाइन थाना में हम लोग FIR दर्ज कराए। देखिए, हमारे देश की सम्माननीय राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सदन के नेता ने बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की है, और इस टिप्पणी से मैं ऐसा समझता हूँ कि आज जब हम इस आदिवासी जिले में यहाँ हैं, तो मैं लोगों में जो प्रतिक्रिया देख रहा हूँ, जो आक्रोश देख रहा हूँ, उससे द्रवित होकर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश जी ने और जनता के आक्रोश को समझते हुए यहाँ थाने में एक FIR दर्ज कराई है। और मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की कवायद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जुटे हुए हैं। मिशन 2023 के लिए आदिवासी वोटर्स की जरूरत से भी दोनों दल बाखबर हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के जीतने के बाद आदिवासियों का हमदर्द होने का दावा कर रही है, लेकिन इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ऐसा बयान सामने आ गया जो कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में दोनों ही मुख्य सियासी दल आदिवासी वोटरों को साधने में जुटे हैं। जहां बीजेपी आदिवासियों को लेकर लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस 9 अगस्त यानी कि विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समुदाय के लिए बड़ा आयोजन करने जा रही है। लेकिन इस बीच राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर अधीर रंजन का जो बयान सामने आया है, उसका खामियाजा मध्य प्रदेश कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। CM शिवराज सिंह चौहान ने अधीर रंजन के बयान पर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा ही आदिवासी विरोधी और महिला विरोधी रही है। तो कांग्रेस की मानसिकता ही घटिया है, आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं, क्या वह अधीर रंजन चौधरी जी के बयान से सहमत है? क्या राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई एक ऐसी हस्ती जिनका सारा देश सम्मान करती है, उनको इन शब्दों से संबोधित किया जाना चाहिए? बहरहाल मामला गरमाता देख अधीर रंजन ने भी ये मान लिया है कि उनकी जुबान फिसल गई थी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा है, कहा है कि जब बीजेपी को कुछ नहीं मिलता तो वो मसाला ढूंढती रहती है। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार पर लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल गई, और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताजुब लगते हैं। बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है, तब ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसाला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के। एक तरफ कांग्रेस के कमलनाथ प्रदेश की आधी आबादी यानी कि आदिवासी वोटरों को साधने की जुगत में हैं, 9 अगस्त यानी कि विश्व आदिवासी दिवस से बड़े आयोजन की तैयारी में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता ही उनका खेल बिगाड़ने में जुटे हैं। चूँकि राष्ट्रपति मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं, ऐसे में अधीर रंजन चौधरी का बयान मध्य प्रदेश कांग्रेस को 2023 में बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है, और इसका पूरा फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को मिलने वाला है।
टीम न्यूज़ स्टेट।